बिहार की राजधानी पटना जिले के ग्रामीण इलाके पुनपुन से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। मंगलवार को पटना के मसौढ़ी में दो युवकों के सिर काटकर हत्या की गई। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतर आक्रोश जाहिर करना शुरू कर दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपी के गाड़ी में आग लगा दी। मामला पुनपुन के मदारपुर गाँव के दो युवक उमेंद्र कुमार और जलेंद्र कुमार की है। एक साथ डुमरी के लिए निकले थे, उनकी हत्या विभत्स तरीके से काट कर की गई है और शव को भूसे वाले घर में रख दिया गया था। दोनों के शव बोरे में बंद थे। दो नौजवान युवकों को विभत्स तरीके से हत्या की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने NH-83 पर आगजनी की। शव पुनपुन के डुमरी गाँव के पिंटू सिंह के घर से बरामद हुआ है। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने पिंटू सिंह के घर और बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। दोनों मृतक प्रॉपर्टी डीलर थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण करने में लग गई, परंतु माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ASP वैभव शर्मा ने बताया कि हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई है। पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा है। स्थिति नियंत्रण में है और हत्यारे जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मसौढ़ी से अजय कुमार की रिपोर्ट।